वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेंटल चेकअप, यानी कि दांतों का मुआयना। और हमारे इस लेसन में टू कैरेक्टर्स हैं, एक पेशेंट हैं जिनका नाम सलीम है और दूसरे डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कुरैशी। तो चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सलीम अब जो पेशेंट हैं वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर से, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर के रूम में आए हैं और उन्हें कह रहे हैं हेलो डॉक्टर। और डॉक्टर कुरैशी आगे से क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सलीम, हाउ आर यू डूइंग टुडे। कहते हैं कि सलीम सुबह बखैर, आज आप कैसे हैं। सलीम आगे से कह रहे हैं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव बीन हैविंग सम गम पेन रिसेंटली। रिसेंटली होता है हाल ही में। कहते हैं कि हाल ही में मुझे जो है ना मेरे गम्स में, यानी कि मसूड़ों में दर्द होता रहा है। डॉक्टर कुरैशी आगे से क्या कह रहे हैं, वेल अच्छा, वी विल टेक अ लुक। कहते हैं कि हम जो है ना एक नज़र डालेंगे, यानी कि आपके दांतों को देखेंगे। प्लीज़ रिक्लाइन एंड ओपन योर माउथ। कहते हैं मेहरबानी करके रिक्लाइन, रिक्लाइन होता है पीछे टेक लगाकर आराम से बैठ जाना। कहते हैं आप आराम से टेक लगाकर बैठ जाएं और अपना मुँह खोलें। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं दैट्स गुड, ये अच्छा है। यानी कि वो डॉक्टर की कहने वाली पोजीशन में बैठ गए हैं ना सलीम, इसलिए डॉक्टर आगे से कहते हैं दैट्स गुड। सलीम क्या कहते हैं, आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड, अपने दांतों का मुआयना कराने के बाद, हाउ डज इट लुक। डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कैसे आपको दिखाई देते हैं, यानी कि मेरे दांत ठीक तो हैं ना। तो अब डॉक्टर कुरैशी आगे से क्या कह रहे हैं, वेल ठीक है, देयर इज़ सम इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। कहते हैं कि आपके मसूड़ों पर ना मुझे कुछ इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, कुछ सूजन जो है वो दिखाई दे रही है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी शुड ऑल्सो डू अ न्यू सेट ऑफ एक्सरेज। कहते हैं मेरा ख्याल है कि एक्सरेज का जो है ना हमें नया सेट लेना चाहिए, यानी कि आपके दांतों के ना एक्सरे करवाने चाहिए। तो सलीम आगे से कह रहे हैं वाई डू यू से दैट, आपने ऐसा क्यों आप कहते हैं। इज समथिंग रॉन्ग, क्या कोई ख़राबी है, यानी कि मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है। डॉक्टर कुरैशी आगे से क्या कह रहे हैं, नो नो। कहते हैं नहीं नहीं, इट्स जस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर एवरी ईयर। कहते हैं कि ये हमारा हर साल जो है ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी कि मयारी तरीकाकार है हर साल चेक करने का। इट लुक लाइक यू मे हैव अ फ्यू कैविटीज़ एज वेल। कहते हैं इस तरह नज़र आता है कि जिस तरह तुम्हें कैविटीज़ होते हैं खोखला, कि तुम्हारी कुछ खोखली जगह भी हैं दांतों में। तो सलीम आगे से कह रहे हैं क्या, दैट्स नॉट गुड न्यूज़। हूँ एकदम से थोड़ा परेशान से होके कि ओ हो अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर कुरैशी आगे से क्या कह रहे हैं, देयर आर जस्ट टू एंड दे लुक सुपरफिशियल। कहते हैं कि वो सिर्फ दो ही हैं, यानी कि तुम्हारी जो खोखली जगह हैं दो जगह हैं सिर्फ, और लुक सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है सतही, ऊपर वाली सतह पर जो हो, नीचे रूट तक नहीं गई। यानी कि कहते हैं कि जस्ट वो ऊपर ऊपर ही हैं, टेंशन ज़्यादा ना लो। तो सलीम आगे से क्या कह रहे हैं कि आई होप सो। कहते हैं कि मुझे ऐसे ही उम्मीद है, या मैं इसी की उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर कुरैशी क्या कहते हैं, अब वी नीड टू टेक एक्सरेज टू आइडेंटिफाई टूथ डिके एज वेल एज चेक फॉर डिके बिटवीन द टीथ। अब वो उन्हें बता रहे हैं कि एक्सरे करना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं कि हमें वी नीड टू टेक एक्सरेज, हमें कहते हैं एक्सरे लेने की ज़रूरत इसलिए होती है टू आइडेंटिफाई टूथ डिके, ताकि आइडेंटिफाई होता है शनाख्त हो जाना टूथ डिके, उन दांतों की जो डिके यानी कि गल सड़ रहे हैं, एज वेल एज चेक फॉर डिके। और कहते हैं कि साथ हम जो है चेक करें डिके कि क्या गल सड़ रहा है बिटवीन द टीथ, उन दांतों के दरमियान, कि दांतों के दरमियान जो ख़राबी है या कोई गलने सड़ने वाले दांत हैं उनका भी हमें पता लग जाए। तो सलीम आगे से कहते हैं आई सी, के मैं समझता हूँ। डॉक्टर कुरैशी क्या कहते हैं, हेयर पुट ऑन दिस प्रोटेक्टिव एप्रन। कहते हैं कि यहाँ ये जो प्रोटेक्टिव हिफाजती एप्रन होता है, वो जो हिफाजत के लिए कपड़ा बांध लेते हैं ना अपने ड्रेस के ऊपर, एक कपड़ा पीछे कमर पे बांध लेते हैं, उसको एप्रन कहते हैं।
अक्सर जो कुकिंग वगैरह करते हुए भी पहनते हैं, तो वो अब डॉक्टर क्योंकि एक्सरे कर रही हैं तो कहते हैं कि ये जो हिफाजती एप्रन है या आप अपने बांध लें। तो सलीम आगे से उन्हें कह रहे हैं ओके कि अच्छा ठीक है। डॉक्टर कुरैशी अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर टेकिंग दी एक्सरेज, अब वो एक्सरे जो है ना वो ले चुके हैं, तो एक्सरे लेने के बाद कह रहे हैं थिंग्स लुक गुड, कहते हैं कि मामलात जो हैं, चीज़ें जो हैं वो मुझे ठीक नज़र आती हैं। आई डोंट सी एनी एविडेंस ऑफ फर्दर डिके, कहते हैं मुझे जो है डोंट सी नज़र नहीं आया, एविडेंस होता है सबूत प्रूफ, फर्दर मजीद डिके गलना सड़ना, कहते हैं कि मजीद गलने सड़ने के मुझे कोई सबूत तुम्हारे दांतों से नहीं मिले हैं एक्सरे के बाद। तो सलीम आगे से क्या कहते हैं, जो पेशेंट हैं डेट्स गुड न्यूज़, कहते हैं कि ये तो अच्छी खबर है। तो अब डॉक्टर कुरैशी क्या कह रहे हैं, येस जी हाँ, आई विल जस्ट गेट दीज टू फीलिंग्स ड्रिल्ड एंड टेकन केयर ऑफ एंड देन वी विल गेट योर टीथ क्लीन्ड, कहते हैं कि हाँ मैं जो है ना आई विल जस्ट गेट टू फीलिंग्स ड्रिल्ड, कहते हैं ये जो तुम्हारी ड्रिल्ड हैं, ये जो दो सुराख है ना, मैं इनमें फिलिंग करूँगा, फिलिंग होता है भरना भराई करना, कहते हैं इन दो सुराखों में मैं भराई करना चाहता हूँ, फिलिंग करना चाहता हूँ एंड टेकन केयर, और कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ख्याल तुम्हारे दांत ज़्यादा ख़राब ना हो, हिफाजत की नज़र से कर रहा हूँ एंड देन वी विल गेट योर टीथ क्लीन्ड, और कहते हैं इसके बाद जो है हम आपके दांत साफ़ करेंगे। अब जो इसमें क्लीनिंग वाला ये बात कर रहे हैं तो इससे नेक्स्ट जो लेसन है डेंटल हाइजीन का हम उसमें ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा लेसन फिनिश होता है ये वाला डेंटल चेकअप का।